नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोतीराम बघेल। लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं रीजनिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया दोस्तों, जो कि अपना कौन सा अवयव मैट्रिक्स। दोस्तों इस अवयव मैट्रिक्स से दोस्तों आज जो वर्तमान में एग्जाम हो रहे हैं दोस्तों, व्यापम की एग्जाम या जो बहुत सारे एग्जाम में दोस्तों अवयव से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, और ये अवयव टॉपिक दोस्तों जो सिटी है कि एग्जाम हो दोस्तों, वहां पर इससे 4 से 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं दोस्तों, और जो SSC के वाले एग्जाम हो रहे वहां पर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं इस अवयव टॉपिक के सारे जो क्वेश्चन दोस्तों इनको मैं बहुत इजीली बताऊंगा दोस्तों, बहुत सरल विधि से बताऊंगा दोस्तों, और ये क्वेश्चन अपने जल्द से जल्द अपने चुटकियों में सोल्व कर सकते दोस्तों, मतलब इसको इतनी आसानी सोल्व कर पाएंगे दोस्तों की जो भी बच्चा मेरा ये वीडियो देगा उन सारे स्टूडेंट का इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, जो लाल रंग के बटन है उसको दबाकर सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों, जहाँ से क्या हो जाए दोस्तों मेरे आने वाले वीडियो आपको जल्दी जल्दी प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अपन टाइम बर्बाद नहीं करते, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करें दोस्तों यहाँ पर क्या अवयव, अवयव का अर्थ क्या होता है दोस्तों, पहले ये देखते हैं। अवयव का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे अपने की अवयव, ये अवयव दे दिया दोस्तों, ये मैट्रिक्स दिया दोस्तों, ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने का दोस्तों, तो ये 6x6 का अपने का अवयव दिया दोस्तों, कितने बाय 6x6 का। जैसे बात कर 6x6 का कैसे दोस्तों, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, समझ में आए दोस्तों, इधर बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 क्लियर है, तो कितने बाय कितने का अवयव है, 6x6 का एक अवयव अपने को मैट्रिक्स दिया है। यहाँ पर दोस्तों जो आड़ी लाइन दिख रही है दोस्तों, इनको क्या बोलते हैं, पंक्ति। आड़ी लाइन क्या है, पंक्ति, और जो खड़ी लाइन उसको क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्तंभ। तो यहाँ पर अपने को जो भी इनको इंग्लिश में रो बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, कॉलम। खड़ी लाइन को क्या बोलते हैं, कॉलम, और आड़ी लाइन को क्या बोलते हैं, रो। समझ में आ गया दोस्तों। तो यहाँ पर अपन टाइम बर्बाद नहीं करते, इसके क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, समझ में आ गया। यहाँ पर एक अवयव भी दे सकता है, दो अवयव भी दे सकता दोस्तों। तो दोस्तों एक क्वेश्चन नंबर मैंने पहला दिया, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको देखें। निम्नलिखित अवयव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके, मतलब दोस्तों ये अपने को अवयव दे रहा है, इसको अपन क्या ध्यानपूर्वक अध्ययन करके यह पता लगाए कि, यह पता लगाए कि नीचे दिए गए विकल्प में से, नीचे जो विकल्प दिए इसमें से किस विकल्प में शब्द ट्रिक्स, किस विकल्प में शब्द ट्रिक के लिए उपयुक्त तो कोड है। मतलब दोस्तों ये अपने को ट्रिक दिया है ना दोस्तों, इंग्लिश का वर्ड है, इसके अपने को ये कोड दिए दोस्तों, तो इस अवयव में चेक करेंगे कौन सा कोड सही है। आगे पढ़ते दोस्तों यहाँ पे, इसको सबसे पहले पंक्ति, इसको सबसे पहले पंक्ति, उसके बाद स्तंभ के आधार पर सजाया गया दोस्तों। इसको किस आधार पर सजाया गया है, पहले पंक्ति देखो दोस्तों, आड़ी लाइन देखना है, उसके बाद में खड़ी लाइन मतलब स्तंभ में देखना है। तो अपन दोस्तों यहाँ पर बात करते क्या ट्रिक्स को चेक करें दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों क्या करना, जो ट्रिक्स है इसको इसके ऊपर लिख लो दोस्तों, कैसे दोस्तों इधर ध्यान देना, जिसमें टी हो गया, आर हो गया, ए हो गया, सी हो गया, और क्यू हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, इधर ध्यान देना, इसके लास्ट वाले डिश को दोस्तों शुरू से आगे से मत चेक करना दोस्तों, आगे से चेक करोगे दोस्तों टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए अपने इसको पीछे से चेक करेंगे और उसके ऑप्शन चेक करेंगे दोस्तों। तब सबसे पहले बात करते हैं कि आपने को 34 देखना है, 34 पे क्या आना चाहिए दोस्तों, 34 मतलब पहले क्या देखेंगे दोस्तों, ये 3 देखेंगे, और 3 को कायम देखेंगे दोस्तों, पंक्ति में देखेंगे दोस्तों, इधर ध्यान देखते 3 ये रहा। अब इधर क्या देखेंगे, दूसरा नंबर का स्तंभ देखेंगे, मतलब ऊपर देखो 4, इनको मिला मिला कर दोस्तों ये चला और ये आया, तो क्या है दोस्तों, के आर मतलब आर, तो ये फिलहाल तो सही क्या दोस्तों। अब दूसरा ऑप्शन चेक करते नीचे, अब 4 3 जब देखेंगे दोस्तों, तो 4 पे लेकर चेकेंगे दोस्तों इसको आप पंक्ति, तेरा पंक्ति। अब 3 से क्या देखेंगे दोस्तों, अपन कॉलम से, इधर से क्या है के, इधर से भी के दोस्तों, देखो ये इधर चेक करा पहले और इधर, यहाँ पर क्या, तो ये भी सही आया दोस्तों, समझ में आ रहा है। अब आगे आ जाओ दोस्तों क्या, 3 3 चेक करो, तो 3 से दोस्तों देखो दोस्तों ये 3 पे सी, और इधर से भी 3, तो सी पे क्या है दोस्तों, ये गलत हो रहा, अपने को लाना था के। अब आगे बात करें दोस्तों 1 0, 1 मतलब दोस्तों ये चेक करना, 0 मतलब ये, समझ में आया दोस्तों, तो ये भी सही हो रहा है दोस्तों, 1 फिर 0 दोस्तों। यहाँ पर पहले तीनों मतलब अभी तक तो क्या दोस्तों, तीनों आने की संभावना बनती है। अब अगला लेटर देखेंगे दोस्तों, देखो दोस्तों सी को चेक करें, 2 0, ये 2 लिया फिर 0 टी, क्या देखो दोस्तों 2 फिर 0 मतलब सी, क्या है दोस्तों 2 सी, तो सी है दोस्तों सही है, तो मतलब यहाँ पर ये वाला ये भी सही जा रहा। अब इसको चेक करें दोस्तों, 0 0 0 0 क्या है दोस्तों, ए, तो ये तो क्या होगा दोस्तों, गलत हो रहा दोस्तों। देखो दोस्तों 2 ऑप्शन निकल गए, इस वाले ऑप्शन देखते हैं दोस्तों कौन सा, इसको चेक करें दोस्तों। अब बात ये तो पहले अपने गलत हो गया, इसको चेक नहीं करना दोस्तों। चौथा देखें दोस्तों, 4 1, ये 4
वन क्या है दोस्तों ए, और अपने को लाना क्या है दोस्तों सी, ये भी क्या होगा दोस्तों फोर वन, गलत होगा दोस्तों। तो देखो दोस्तों अपना आंसर कौन सा आ गया, फर्स्ट वाला देखो दोस्तों, ए भी गलत, ए भी गलत, ए भी गलत, ये क्या सही। अब बात करते हैं ए आ रहा है, मीन्स को चेक कर लेते हैं, जीरो 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 ए सही है, फोर फोर चेक करो दोस्तों, फोर फोर क्या है आर, आर भी सही है, टू टू चेक करो दोस्तों, टू टू टी भी सही, मतलब अपना आंसर कौन सा है फर्स्ट वाला। इस ऐसे चेक कर रहा है दोस्तों, दोस्तों अपनी प्रैक्टिस में ये बहुत जल्दी सो रह जाएगा दोस्तों। अब बात करो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दो, दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या हो रहा है दो अवयव दिए दोस्तों, कितने अवयव दिए दो। अब दोस्तों यहाँ पर जब दो अवयव देते थे ये भी क्या है दोस्तों जीरो एक दो तीन चार पाँच छह सात, मतलब अवयव तो एक ही दोस्तों, लेकिन इसको क्या बना दिया दोस्तों दो बना दिया। तो दोस्तों इसको अपन सॉल्व करें क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर कितना ये एक ही है दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित अवयव का ध्यान पूर्वक अध्ययन करके यह पता लगाए कि नीचे दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प में रूस का कोड क्या होगा। इसको पहले पंक्ति, पहले पंक्ति उसके बाद स्तंभ को सजाया गया दोस्तों। इसको बेसिक बेसिक चेक करना है दोस्तों, सबसे पहले क्या चेक करना है अपने को पंक्ति, उसके बाद में कॉलम स्तंभ दोस्तों। तब बात है दोस्तों अपने क्या रूस का कोड देखना दोस्तों, क्या करेंगे सबसे पहले इस शब्दों को यहाँ पर दोस्तों आर यू एस एच, इतना समझ में आया दोस्तों। अब इसको पीछे से चेक कर दोस्तों आखिरी से दोस्तों, चेक कर दोस्तों कितना सिक्स सेवन, पहले सिक्स से देखो दोस्तों ये देखा, अब सेवन जो दोस्तों कितना है जी सिक्स और सेवन जी, और यहाँ पर क्या है एच, इसके दोस्तों ये क्या हो गया गलत, समझ में आया। अब बात करते हैं दोस्तों इसको चेक करो जीरो थ्री, पहले जीरो देखो दोस्तों ये जीरो, अब थ्री भी देखो क्या एच, मतलब दोस्तों ये क्या हो रहा है सही, समझ में आ रहा है। अब बात करते कौन सा सेवन सिक्स है, ये हो गया सेवन और देखो सिक्स ए, तो यहाँ पे एच, इसलिए ये भी गलत हो गया। इसको चेक करो दोस्तों सेवन फाइव, सेवन फिर फाइव दोस्तों, हाँ दोस्तों क्या ये भी सही हो रहा है, मतलब दोस्तों अपनी ऐसे चेक करो चेक कर, कितने दो ऑप्शन अपने पास निकल गए दोस्तों, बचे कितने दो, दो और चेक कर लेते हैं जो गलत होगा वो निकल जाएगा यहाँ से दोस्तों। अब बात करते हैं क्या सिक्स सिक्स देखो दोस्तों सिक्स सिक्स क्या एस एस, हाँ है मतलब इसको ज्यादा मात्रा मिल रही। अब यहाँ पर बात कर दोस्तों थ्री टू, थ्री टू ये थ्री हो गया और टू ई क्या है दोस्तों ई, और यहाँ पे क्या है एस, इसलिए क्या होगा दोस्तों गलत हो गया। तो अपना कौन सा आंसर होगा दोस्तों बी वाला, समझ में आया दोस्तों कैसे चेक करा है इस आधार पे चेक करना है। देखो दोस्तों कम से कम समय लग रहा है कि लग रहा है, ठीक है दोस्तों और अगला क्वेश्चन लगा दे दोस्तों। दोस्तों ये मैंने क्वेश्चन नंबर थर्ड लिया दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्या दोस्तों थ्योरी इस बार नहीं लिया दोस्तों, क्या थ्योरी नहीं ली है, और अपने को यहाँ पर कितने दो अवयव दिए दोस्तों, कितने अवयव दिए दो अवयव, तो यहाँ पर अपने किसका प्राइड, किसका प्राइड इसका कोड बताना है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर अपने को हिंट दे रहे हैं कि ए को क्या लिख रखा दोस्तों, क्या लिख रहा है ए को, क्या लिख ए को दस लिखा दोस्तों, तो पहले चेक करते हैं दस पे ए आ रहा, ए आ रहा कि नहीं आता दोस्तों, कितना पंक्ति देगा फिर स्तंभ देखता, हाँ दोस्तों क्या पहले पंक्ति देगा फिर स्तंभ, मतलब यहाँ पर कैसे चेक कर दोस्तों पहले पंक्ति फिर क्या देगा दोस्तों तथा स्तंभ। देखो दोस्तों कैसे पंक्ति में पहले देखा कितना वन फिर ऊपर से जीरो कितना आ गया दस, थ्री थ्री मतलब थ्री ए और थ्री ए आया। अब इसको सिक्स देखो दोस्तों सिक्स सिक्स क्या एच, एच आया दोस्तों सेवन 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 एच, हाँ दोस्तों तो कैसे चेक करना अपने को पहले पंक्ति फिर स्तंभ। तो बात पे दोस्तों अपने को जिस शब्द का अपने को चयन करना रहता है दोस्तों, जिसका कोड ज्ञात करना उसको क्या कहेंगे दोस्तों, अपन इसके नीचे लिख लो जिस अपने पास कौन सा देखो दोस्तों इधर कितना पी आर आई बी आई, समझ में आया दोस्तों। अब क्या करें दोस्तों इधर ध्यान देना, पहले इसको थ्री टू को चेक करो, थ्री टू आई आ रहा कि नहीं आ रहा, ये थ्री और टू ये रहा ई, तो दोस्तों थ्री टू ई आ रहा, ये क्या हो दोस्तों गलत। इसको चेक करो दोस्तों वन फोर, वन फोर फोर पे कह रहा ई, और यहाँ पे क्या दोस्तों आई, ये भी दोस्तों क्या हो गया गलत।
यहाँ पे बात करते हैं 4-3, 4-3, ये भी क्या है दोस्तों, ई आ रहा, ये भी गलत होगा दोस्तों, इसको चेक करें 2-3, 2 और क्या चेक करें दोस्तों 3, यहाँ पे क्या है दोस्तों आई आ रहा दोस्तों, नहीं दोस्तों यहाँ पर क्या रहा 2-3, यहाँ पर क्या रहा 2 और ये 3, यू आ रहा दोस्तों, ये यहाँ से भी गलत हो गया दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर ये समस्या आ गई दोस्तों कि क्या हुआ दोस्तों, अपने पास कितने 4 ऑप्शंस गलत आ गए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा अपने पास 4 ऑप्शन गलत हो गए, इसका मतलब दोस्तों अपने पास क्वेश्चन में कुछ समस्या आ गई दोस्तों। एक सेकंड दोस्तों इधर ध्यान देना, ऑप्शन तो सही है दोस्तों, यहाँ पर ये क्या है दोस्तों प्राइड है, आई की जगह क्या है दोस्तों ई, दोस्तों ये मिस्टेक हो रही है थोड़ी सी, कोई बात नहीं, इसको वापस से चेक कर लेंगे दोस्तों। क्या दोस्तों यहाँ पे आई के स्थान पे क्या था ई था दोस्तों, अब वापस से चेक करें दोस्तों 3-2 चेक करो दोस्तों 3-2 सही है, समझ में दोस्तों क्या क्या ये सही जा रहा 1-4, 1-4 ये भी सही जा रहा दोस्तों 4-3, 4-3 ये भी सही जा दोस्तों 2-3, 2-3 ये गलत हो दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहा दोस्तों, अपने 3 सही जा रहे दोस्तों, इसके अगले लेटर पे जाओ दोस्तों 9-9 चेक करो डी 9-9 डी सही जा रहा दोस्तों, 8-8 चेक करो 8-8 सी आ रहा दोस्तों, यहाँ पर डी तो दोस्तों ये भी यहाँ से गलत हो गया। अब इसको चेक करो दोस्तों 8-7, 8-7 कह रहा दोस्तों डी, यहाँ पर डी मतलब ये भी सही जा रहा दोस्तों, कितने ऑप्शन 2 ऑप्शन गलत हो गए दोस्तों। फिर आगे इसको चेक कर रहे 2-1, 2-1 आया रहा सही जा रहा दोस्तों। अब इसको चेक करेंगे दोस्तों 4-2, 4-2 दोस्तों यहाँ पर भी आया, अब आगे बढ़ दोस्तों 9-7, 9-7 क्या दोस्तों पी और यहाँ पे आर ये क्या है दोस्तों गलत, तो बच गया कौन सा अपने पास ये सही जा रहा है दोस्तों, देखो 7-9, 7-9 सही जा रहा दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन हो गया दोस्तों यहाँ पे सी वाला आंसर करेक्ट हो गया, राइट हो गया दोस्तों। समझ में आया दोस्तों कैसे क्या चेक करें दोस्तों, बहुत सिंपल है ना दोस्तों, कहीं अपने को कोई समस्या नहीं आ रही, क्या करना अपने को ऑप्शन से चेक करना दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व, किधर से करेंगे ऑप्शन से दोस्तों, ऑप्शन से भी क्या उसके ऊपर जो लेटर उसको रख दो दोस्तों और उसके पीछे से चेक करना दोस्तों, इसको भी किधर से चेक करेंगे पीछे से। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन लगाते हैं अपन दोस्तों, ये अपन ने कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कितना दोस्तों यहाँ पर भी 2 आवयव दे रखे दोस्तों, 2 मैट्रिक्स दिए दोस्तों, तो यहाँ पर अपने को किसका अकाउंट क्या था दोस्तों होनर्स, इधर ध्यान देना दोस्तों। अब यहाँ पर इस होनर्स का कोड दोस्तों ये दे रखा है, कौन सा सही जाएगा दोस्तों इसको चेक करने के लिए सबसे पहले अपने को यहाँ पे निर्देश दिया दोस्तों कि ए को क्या रखा 10 और 33, तो चेक करो दोस्तों ए को 10 33 लेता 1010 सही दे रहा है दोस्तों 3 3 3 3 ये भी सही दे रखा। अब एच की बात करें दोस्तों 5-8 दिया दोस्तों एच 5-8 एच सही है 7-5 7-5 क्या दिया दोस्तों 7-5 7-5 दोस्तों यहाँ से गलत आ रहा दोस्तों, दोस्तों इधर को इसको अपन इधर से चेक कर दोस्तों, जैसे मान लो ये अपने को 7 दिया दोस्तों, अब इधर जाओ दोस्तों 5 यहाँ पर क्या है दोस्तों ए आ रहा दोस्तों, यहाँ पे क्या अपने पास एच आ रहा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी त्रुटि हो रही है, ये कितना है 9 है दोस्तों, क्या हो रहा है 9, अब 7-9 चेक करो दोस्तों 7 और 9 तो दोस्तों ये भी किधर चेक करना अपने को पंक्ति, पहले पंक्ति फिर किधर चेक करना दोस्तों स्तंभ, समझ में आ रहा है पहले पंक्ति से जाना, पंक्ति से किधर जाना दोस्तों स्तंभ से, तो इधर ध्यान दे दोस्तों चेक करते अपन क्या ये लिखा अपन ने एच ओ एन ओ यू आ, अब क्या करेंगे दोस्तों अपन इसको चेक करेंगे, पहले आर को चेक करो पहले ऑप्शन 7-6 है, देखो दोस्तों ये लिखा 7 और 6 क्या रहा आ आ सही है दोस्तों, पहला 8-8 चेक करो दोस्तों 8-8 ये भी सही है दोस्तों, 6-7 देखो दोस्तों 6-7 ये भी सही है दोस्तों, 8-8 ये भी सही जाएगा, इसके अगले लेटर पे जाएंगे दोस्तों 2-2 चेक करो 2-2 ओ और यहाँ पे यू देखो दोस्तों इधर 2-2 यहाँ पे यो और यहाँ पे ये क्या है गलत, अब इसको चेक करें 1-0 1-2 1-2 1-2
क्या रहा, यू ये सही जा रहा, थ्री वन को देखो दोस्तों, थ्री वन यू ये भी सही जा रहा दोस्तों, जीरो फोर जीरो फोर ये भी सही जा रहा दोस्तों। अभी तक दोस्तों कौन सा पहला ऑप्शन गलत हुआ, बाकी दो तीन चार सही जा रहा। अब अगला ऑप्शन है दोस्तों कौन सा, थ्री जीरो, थ्री जीरो क्या रहा, ओ थ्री जीरो सही जा रहा दोस्तों, वन टू वन टू यू आ रहा दोस्तों, वन टू यू ये क्या दोस्तों गलत। अब यहाँ पे थ्री वन, थ्री वन ये भी क्या रहा, यू ये भी गलत हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं अपने पास कौन सा बचा दोस्तों, सेकंड नंबर का, तो आंसर कौन सा है, सेकंड नंबर वाला दोस्तों। देखो दोस्तों क्या, नाइन एट चेक करो, नाइन एट क्या रहा, एन सही है दोस्तों, फोर पर चेक करो, फोर फोर ओ सही है दोस्तों, एट सिक्स चेक करो दोस्तों, एट सिक्स क्या एन सही है दोस्तों, इसका अपना आंसर कौन सा, सेकंड वाला। समझ में आ रहा दोस्तों कैसे क्या हो रहा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है दोस्तों आइए एक और क्वेश्चन इसका लगाते हैं अपन। दोस्तों ये मैं क्वेश्चन नंबर पांच लेकर आया हूँ, देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले अव्यू क्या है, अव्यू एक ही दिया है और इतने सात बाई सात का अव्यू दिया दोस्तों, कितने सात बाई सात का। अब बात कर दोस्तों यहाँ पर अपन ने वो प्ले, प्ले का कोड पूछे दोस्तों, प्ले का कोड क्या होगा, तो सबसे पहले अपन दोस्तों यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पे निर्देश क्या दे रहा है, ए को क्या दिया दोस्तों बयालीस, तो देखो दोस्तों ए बयालीस आ रहा है नहीं, फोर टू मतलब किधर से पहले पंक्ति फिर स्तंभ, किधर चेक कर दोस्तों पंक्ति से स्तंभ। अब इसको चेक करते एस टू वन, टू वन एस हाँ दोस्तों, ये भी किधर से होगा दोस्तों पंक्ति से स्तंभ, तो इसको भी इधर से चेक करेंगे दोस्तों पंक्ति से स्तंभ, तो इधर बात करें दोस्तों क्या पी एल ए वाई ये दोस्तों। अब इधर लास्ट से चेक करेंगे दोस्तों, फोर फाइव चेक करो वाई आ रहा है, ये फोर और ये फाइव वाई आ रहा दोस्तों, तो ये सही जा रहा। वन वन चेक करो दोस्तों, वन वन क्या रहा एस, इसलिए दोस्तों ये क्या गलत है दोस्तों, वन वन, वन नाइन चेक करो दोस्तों, वन और क्या दोस्तों वन नाइन, और अपने पास कहाँ तक दे रहेगा दोस्तों नाइन तक, तो दोस्तों है ही नहीं अपने पास दोस्तों, अपने को नाइन तक तो है ही दोस्तों, ये भी क्या है दोस्तों गलत। अब आगे बात करते हैं फोर फाइव, फोर फाइव क्या है भाई दोस्तों, ये भी सही जा रहा। देखो दोस्तों दो ऑप्शन तो यहाँ से बाहर निकल गए, अब यहाँ पे दो ऑप्शन बचे, इसको अगले ऑप्शन चेक करो दोस्तों, कितना वन फाइव, वन फाइव क्या दोस्तों पी, यहाँ से ये भी गलत हो गया, इसको चेक करो सिक्स टू, सिक्स टू आ रहा दोस्तों, तो अपना आंसर कौन सा होगा दोस्तों डी होगा। देखो दोस्तों पूरा चेक कर लेते, सिक्स फाइव, सिक्स फाइव क्या है एल, एल आ रहा दोस्तों, फोर थ्री, फोर थ्री पी आ रहा दोस्तों, ये हो गया दोस्तों, तो अपना आंसर कौन सा होगा दोस्तों आंसर नंबर डी वाला। समझ में आया दोस्तों ये क्या है दोस्तों अव्यू, दोस्तों यहाँ से एक अव्यू भी हो सकता है दोस्तों, दो भी हो सकते दोस्तों, दो से अधिक भी हो सकते दोस्तों, तो इसको चाहे चाहे जितनी बड़ी भी अव्यू दे दे दोस्तों, बस इसको जो मैंने बताया इसी तरीके से आपको सोल्व करना है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक करना दोस्तों और सब्सक्राइब करना दोस्तों, और अपने दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों, ठीक है दोस्तों सबको धन्यवाद।